गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए, मैं रात में बैठी थी श्रम शक्ति से कानपुर में, और अब सुबह 6 बजे मैं दिल्ली उतर गई हूँ ट्रेन से, और ओला कर लिया है घर के लिए। तो मैं कहाँ जा रही हूँ अभी आप लोग को पहुँच कर बताऊँगी, जिनके घर जा रही हूँ। तो हम लोगों ने ओला कर लिया था, और दिल्ली से नोएडा के लिए ओला किया था, वो नोएडा में रहते हैं जिनके हम घर जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को मिलवाती हूँ उनके घर पर आप लोगों को पहुँच कर। तो अभी अभी हम लोग पहुँचे हैं, अभी थोड़ी देर बाद फ्रेश होंगे, नहाएंगे, उसके बाद पूजा शुरू होगी। पूजा है मंदिर में। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले नहा लेते हैं, तैयार हो लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना बना दिया है, तो आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ मैंने खाने में क्या बनाया है यहाँ पे। ये है पनीर की सब्जी बिना लहसुन प्याज की, इसमें मूंगफली के दाने भी नहीं पड़े हैं और बेसन भी नहीं पड़ा है। मैंने इन दोनों के बगैर ही ग्रेवी बनाया है पनीर की। इसमें आलू उबल गई है, अभी आलू की सूखी सब्जी बनाएंगे। और ये थोड़ा सा रवा रखा था, तो मैंने सोचा ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं ना, ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, यही मैं लाई थी वी मार्ट से, सॉरी विशाल मेगा मॉल से। मैं यही कढ़ाई लाई थी यहाँ के लिए, जो आप लोग को नहीं दिखाया मैंने। और ये डिनर सेट लाई थी, ये डिनर सेट है, वो मैं एकदम भूल गई दिखाना आप लोगों को। ये डिनर सेट लेकर के आई थी, और ये कढ़ाई यहाँ के लिए लेकर के आई थी। तो इसमें कुछ मीठा बनाना था, इसलिए मैंने पहले हलवा बना लिया है फ्रेंड्स। तो ये हलवा बिना मतलब कोई मेवा मखाना नहीं पड़ा है, सिंपल सादा ऐसे हलवा बना लिया है, क्योंकि कुछ मीठा बनना था इसलिए। और जो मेरा देवर है वो अभी भी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, इसलिए अभी कुछ यहाँ पे ज़्यादा मेवा वेवा नहीं थी, तो जो था मैंने उसी में। तो फ्रेंड्स, खाना बन गया है मेरा, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा है, पंडित आने वाले हैं, 10:30 बजे का टाइम दिया है पंडित ने, तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। बाकी लोग नहाने गए हैं, तो आधा खाना बन गया आपने देखा, आधा खाना सब्जी बनानी है, पूड़ी बनानी है, सूखी सब्जी आ करके बना लेंगे और पूड़ी सेक लेंगे बस। तो ये था खाना, तो चलिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग हो गए थे रेडी, और मैंने आप लोग को नहीं दिखाया कि मैंने क्या पहना। मैंने साड़ी पहनी थी अपने एनिवर्सरी में, मैंने सुंदरकांड कराया था, तो उसमें मैंने जो साड़ी खरीदी थी ऑरेंज कलर की, वो मैंने पहनी हुई थी। और मुझे देर हो रहा था इसलिए मैं आप लोगों से मिली नहीं, मैंने डायरेक्ट हम लोगों ने ओला करी, और ओला करने के बाद हम लोग मंदिर पहुँच गए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर मंदिर था। सेक्टर 73 में थे हम लोग, और सेक्टर 22 में जाना था हम लोग को पूजा के लिए मंदिर में। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को मंदिर में, दिखाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर, और ये है जहां हमारी पूजा होनी है, वहां मंदिर है ये। तो यहां शंकर जी का मंदिर है बीच में, और किनारे साइड में है नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, और कार्तिक हैं, तीन चारों लोग हैं, और बीच में शिवलिंग है। और ये सारे भगवान हैं, लक्ष्मी विष्णु सभी हैं, शंकर पार्वती, ये सारे भगवानों की मूर्ति थी। और इधर साइड में भी हनुमान जी की और साईं बाबा जी की मूर्ति थी। तो ये जब यहाँ पे भी पूजा ये लोग करके हटेंगे, फिर यहाँ पे सफाई होगी, तभी पंडित जी पूजा शुरू करेंगे। और ये दोनों भाई यहाँ पे बैठे वेट कर रहे थे पंडित जी का आने का। और ये है यहाँ पे मंदिर, अपने आपस में ही दोनों लोग बात कर रहे थे, एक येलो है एक ऑरेंज है। तो यहाँ देखिए पंडित जी भी तैयारी करने लगे हैं, सारा सामान निकाल रहे हैं। और ये है फल और दूध, जिसका अभिषेक होगा दूध से, तो वो दूध है। बाकी ये काला तिल, चावल, रोली, सभी कुछ, चीनी वगैरह, और जो लगता है पंचमिर्च, सभी कुछ रखा है पंडित जी ने। तो यहाँ पे जो ये लोग पूजा कर रहे हैं, इनको हटने के बाद अभी सफाई होगी और शिवलिंग की, और उसके बाद यहाँ पे पूजा स्टार्ट होगी। तो हम लोग को बैठा दिया गया था चादर बिछा करके पूजा के लिए, हम लोग बैठे थे। उसके बाद पंडित जी का तैयारी।
हरे हे ओम महाकाल थोड़ा सा एक थोर को भी थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा दीजिए। हरे हे ओम फ्रेंड्स, यहाँ पे पंडित जी अब सभी के माथे में चंदन लगाएंगे। पहले तिलक लगाए थे जब पूजा स्टार्ट हुई थी, पूजा आधी समाप्त हो गई है तब चंदन लगा रहे हैं। और अब इसके बाद अभिषेक शुरू होगा, जो दूध से अभिषेक होता है शिव जी का, तो वो अब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अब इसीलिए पंडित जी सबके माथे में चंदन लगा दे रहे हैं। और सभी के माथे पे चंदन लगने के बाद यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे थे अभिषेक का। तो अभी पंडित जी दूध और पानी मिक्स कर रहे थे अभिषेक करने के लिए, और यहाँ देखिए अभिषेक शुरू भी हो गया है।
तो फ्रेंड्स हम लोग तीन चार ही लोग थे, ज़्यादा लोग हमारे साथ नहीं थे। और यहाँ पे अभिषेक हो रहा है, तो अभिषेक भी समाप्त होने वाला था। उसके बाद अभिषेक जब ख़त्म होगा तब उसके बाद सीधा आरती कराई जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पंडित जी ने आरती स्टार्ट करवा दी है। तो फ्रेंड्स हमारी पूजा हो गई थी समाप्त, और हम लोगों ने ओला कर लिया था घर वापसी के लिए। और घर पहुंच के भूख लगी थी, तो हम लोगों ने फटाफट से पूड़ियाँ सेक की और खाना खा लिया। और रात की ट्रेन है हमारी वापसी कानपुर की, उसका ब्लॉग मेरा कल आएगा, आप लोग कल देखिएगा कि मैंने रात की ट्रेन में बैठी थी। और हस्बैंड का ऑफिस है इसलिए जल्दी आना पड़ा। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।